गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड दैट इज़ अबाउट द रिएक्शंस ऑफ द दिन सो बिफोर डिस्कसिंग रिएक्शंस ऑफ थािन हम आपको फिर से ही बता दे कि आप पहले बेसिक पार्ट को जरूर पढ़ के आए आप रिएक्शंस ऑफ थायोफिन से पहले आप रिएक्शन ऑफ पायरोल और रिएक्शन ऑफ फ्यूरान को आप जरूर पढ़ के आए तभी इसके जो बेसिक पार्ट है वो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे और जो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो भी आपको आनी चाहिए रीजनिंग टाइप क्वेश्चन हिट्रोसाइकलिक कंपाउंड के आप जरूर पढ़ें इससे पहले जो हमने रिएक्शन और जो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बताई थी कि व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक्स रिएक्शन वो आप जरूर रीड करके आए फिर आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही इजी हो जाएगा तो हम प्रोसीड करते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ जो है रिएक्शंस ऑफ थायोफीन के बारे में जो थायोफीन है इट इज आल्सो ए हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इट इज हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड द हिट्रो एटम दैट इज द सल्फर थायोविन सल्फर थायो जो वर्ड यूज किया जाता है वो सल्फर के लिए किया जाता है तो ये ग्रुप नंबर सिक्सटीन ग्रुप के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन के जस्ट नीचे है टेबल में सल्फर तो इसीलिए जैसे ऑक्सीजन के ऊपर हमने लोन पेयर शो किए थे सल्फर के ऊपर भी हमने दो लोन पेयर शो कर रखे हैं क्योंकि ग्रुप 16 का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सल्फर के पास भी तो दो तो बॉन्ड बना लिए सल्फर ने और फोर इसके पास क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है सो दैट इज द अबाउट द कंप्लीट वैलेंसी ऑफ द सल्फर सो हेयर इज द थान था के अंदर भी अगर आप शो करेंगे तो जब एरोमेटिसिटी है इसके अंदर ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है तो सल्फर अपने नंबरिंग कर तो करें वन टू थ्री फोर फाइव या अगर आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो करें इसी चीज को तो जैसे हमने पहले ही बताया था दोनों प्रीवियस पार्ट के अंदर तो आप कैसे शो कर सकते इलेक्ट्रॉन को देखो ये भी आप शो कर सकते हैं स्टेप्स इन्वॉल्वमेंट तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे पहुंच गई C2 के ऊपर सी I mean, C2 एंड C5 आर द आर पोजीशन हैविंग द मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू द

ब्लॉकिंग का मतलब मैंने पहले बता दिया कि हर कार्बन के ऊपर जब आप देखेंगे C2 पे देखें C4 पे देखो एच है C3 पे देखें वहां पे भी एच है C4 पे देखें वहां पे भी है वैलेंसी कंप्लीट जब आप करते हैं कार्बन के फोर बोंड होने चाहिए ये जो एच है इट इज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल जो इजिली रिप्लेस किया जा सकता बाय द अनदर इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ पे एच नहीं होगा अगर पोजिशन नंबर टू पे एच ना होता तो सी के ऊपर पोजिशन पे रिएक्शन चल जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सी पे भी ना हो एच Means कोई और ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे मीस नाउ द पोजिशन टू एंडली ब्लॉक देर इज ना देर इज नो पॉसिबिलिटी क्योंकि हमने सी टू और सी फाइव को क्या कर दिया है ब्लॉक कर दिया है तो ये बेसिक बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी ही चाहिए लेकिन ये क्योंकि हमने रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन में ये चीज एक्सप्लेन कर दी थी तो अब हम देखेंगे सिर्फ अपनी बेसिक रिएक्शंस तो बेसिक रिएक्शन जब हम चले था की तो देखो इलेक्ट्रोन डेटी को हमने इंक्रीज कर दिया सी फाइव के थ्रू अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर दिए जाएंगे हम चलते हैं पहली रिएक्शन के ऊपर दैट इज द नाइट्रेशन रिएक्शन तो बताओ कहाँ पे लगेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा एट द c2 टू और दी फाइव पोजिशन तो एनोटो ग्रुप विल अटैच इधर एट दी c2 और c5 फाइव तो मीन आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसको तो आप नंबरिंग के बेसिस के ऊपर देखो वन तू, आपका क्या बन गया बोलो टू साइड में भी लगा देंगे ना हम देखो फिर से देखो इन चीजों को आप भूलेंगे नहीं अगर मान लीजिए मैं इधर लगा दूंगा नोट तो फिर क्या होगा आप नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर देंगे वन टू तो भी इसको नंबर टू ही मिला तो मैं प्रोडक्ट का नाम तो टू नाइट्रोथाइफिन ही होगा चाहे आप उसको लेफ्ट साइड में दिखाएं मीन्स जो जिसको आप पहले पोजिशन फाइव कह रहे थे वहां पे दिखाएं या जिसको सी टू कह रहे हैं वहां पे दिखाएं आयप नंबरिंग तो वही चलेगी लोएस्ट सम रूल को ही यूज किया जाएगा नाम इस कंपाउंड का वही होगा दैट इज द टू नाइट्रोथायोफिन चाहे नाइट्रो ग्रुप को आप राइट हैंड साइड में लगा दें चाहे लेफ्ट हैंड साइड की पोजिशन पे लगा दें इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन दैट इज द सल्फोनेशन रिएक्शन तो जब आप सल्फोनेशन रिएक्शन करेंगे तो SO3H ग्रुप आपका लग जाएगा एट द C2 और द C5 पोजीशन नाम इसका उसी टाइप से होगा होगाफिन 2 सल्फोनिक एसिड इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन को हम लेते हैं मर्कुरेशन रिएक्शन जैसे आपको पहले भी बताया गया था रिएक्शन में क्या होगा ये मर्कुरएल टू सी फाइव के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब दी जाएगी तो देखो ये मर्की को ऐसे दी गई यहां से एक सीएल निकल गया तो एच जी सी एल देखो ग्रुप आपका लग गया एच जी सी एल जो ग्रुप लगा इसका कंपाउंड का नाम हो गया टू क्लोरो मरकुरी था और ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड आपका ये बना यहाँ पे ये इसलिए बना ताकि इजीली इसके अंदर से एचसीएल जो ग्रुप है इसको इजीली कौन रिप्लेस कर सकते हैं बीआर ग्रुप आयडीन और आपका एसाइल ग्रुप सीओसीएच3 वो जो आपके इलेक्ट्रोफाइल होंगे दे कैन इजीली रिप्लेस दैट एचजीसीएल ग्रुप इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं इसको इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ब्रोमिनेशन की तो जो ब्रोमिनेशन करेंगे बी आर कैन इजिली डिस एच जी सी एल तो हमें क्या मिल गया टू ब्रोमोथाइफिन देखें इसी टाइप से अगर हम इसमें आई में डाल दें तो बोलो हमें क्या मिल गया द आई कैन इजिली रिप्लेस दी सी एल देखो हमें क्या मिल गया टू आन तो मीन इजिली डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको किया गया या मान लीजिए हम एसाइल रिएक्शन करते हैं देखो सी एस थ्री सीओ सी एल हमने लिया तो जो सीओ सी एस थ्री जो ग्रुप हैस दैट एच जी सी एल तो देखो क्या मिल गया टू एसिटाइल था

C5 के ऊपर भी देखो एच एस सी थ्री पे भी है लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक्सिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे चलेगी इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक्स रिएक्शन विल टेक्स प्लेस एट द दी टूर दी फाइव पोजिशन लेकिन टू फैसिलिटेट दैट रिएक्शन टू इजिली रिमूव दैट एच एटम विच इज प्रेजेंट क्या करना होता, इस H को ही करना होता के है इलेक्ट्रोफिलीट रिएक्शन के दौरान तो इस एच को कैसे इजिली रिमूव करें हमने पहले बताया था एनबुटा लिथियम को ले लें तो एल आई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बी यू के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज ये बेस का बिकॉज इट डोनेटिंग देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द एच एटम और इजिली यहाँ पे सी टू के ऊपर बोलो क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज देखो आते ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ देखो ये रिएक्शन है जो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एक लेविस एसिड है ये तो ये इलेक्ट्रॉन बोलो कहाँ पे दिए जाएंगे इस कार्बन को जिसके ऊपर क्या था देखो स्लाइट पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन और इस स्टेप से आपके सी ओ एच ग्रुप लग जाता है सी टू यान के ऊपर तो सीएच ग्रुप लग गया प्रोडक्ट आपका क्या बन गया था टू कार्बोक्सिलिक एसिड

और दूसरी पोजीशन को अब C2 की बजाय हम क्या बोलेंगे C5 C5 तो C5 पोजीशन के ऊपर अभी एक H बाकी है विच कैन इजिली बी डिस्प्लेस्ड जो आराम से डिस्प्लेस किया जा सकता है अब अगर हम इसमें ब्रोमिनेशन करेंगे तो ब्रोमिनेशन हो जाएगी लेकिन ब्रोमिनेशन के बाद हमें इसको हीट करना होगा क्योंकि जब हम हीट करेंगे विद इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट है ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसमें भी हमने कैटलिस्ट डाला था जैसे कोपर कैटलिस्ट यहाँ पे भी अगर आप कैटलिस्ट डाल देंगे तो वो एक्सेलरेट करेगा इस रिएक्शन को डी जो सेकंड स्टेप में हम करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में हम तो क्या करेंगे देखो ब्रोमिनेशन बी BR लग जाएगा देखो यहाँ पे एच को हटके और उसके बाद हीट करेंगे तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपकी हो जाएगी वही जो हमने पीछे बताया था बेस रहेगा ब्लैंक रूल कि जिसमें हमने ये बताया था कि कार्बन एटम के ऊपर एक से ज्यादा अगर सी आ जाते हैं तो मीन वन थ्री डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं आप इन्हें तो जो आपके होते हैं, इनके अंदर अपने आप ही अगर हम हीट करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती देखो। और हमें है क्या होगा था एफिन के अंदर यहाँ पे जो सल्फर है जैसे ये एक सी एच ग्रुप था ऊपर ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा था इट एक्ट द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप तो आपके था इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का जो काम करेगा वो कौन करेगा बोलो आपका सल्फर करेगा जैसे फिर के अंदर ऑक्सीजन कर रहा था वो एक अलग बात की ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव है उसके अंदर इजिली डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी फास्ट हो जाएगी जो इजिली आपकी थाइफिन के केस में नहीं होती इसलिए हमने इसमें कैटलिस्ट भी डाला टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन ताकि रिएक्शन थोड़ी और इजिली हो जाए टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ दैट डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन तो इस टाइप से देखो हमने क्या प्रिपेयर कर लिया टू ब्रोमोथाइफिन तो मीन्स टू ब्रोमोथाइफिन जो आपने प्रिपेयर किया कैसे किया आप मर्कुरेशन कर दी मर्कुरेशन करके ब्रोमिनेशन कर सकते हैं या पहले आपने क्या किया कोल्ब स्मिथ रिएक्शन की जिसमें था टू कार्बोक्सिलिक एसिड बना और फिर भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हमें अब टू ब्रोमोथाइफिन को किसमें कन्वर्ट करना पड़ जाए दोबारा से थाईफिन टू कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ जाए तो कैसे करें अब आप ये सोच के बताएं ध्यान दें आप। आपके पास है टू ब्रोमोथाइफिन बोलो क्या है आपके पास टू ब्रोमोथाइफिन तो टू ब्रोमोथाइफिन को अब आप किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं टू कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर दे। देखो ये एग्जाम में आ सकती है चीजें बेसिक है आप इसमें मना नहीं कर सकते कि ये क्यों आ गया तो देखो हमारे पास क्या है ये हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो आपके सामने मैं अलग से भी ड्रा कर देता हूं हमारे पास ये है बी आर आप सोचिए ध्यान से सी एच ग्रुप लगाना आपने ध्यान दिया था वाले चैप्टर में बोलो क्या करते थे कार्बन हेलोजन के बीच में और इस से बोलो क्या प्रिपेयर हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है बोलो एक बताओ कौन है ये ग्रीगनार्ड रिएजेंट आर एम जी एक्स ये पूरा आर बन गया और आगे ये एमजी और बी आर है

तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ जो नया बॉन्ड बना यहाँ पे सी सी डबल बॉन्ड ओ के साथ नेगेटिव नेगेटिव के पास पॉजिटिव कौन है बोलो उसी टाइप से यही MgBr फिर आप हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे तो क्या होगा इधर ओ एच नेगेटिव और इधर एच पॉजिटिव और हमें बोलो क्या मिल जाएगा हमें मिल गया है सी एच ग्रुप लग गया तो यही हमें प्रिपेयर करना था, था टू कार्बोक्सिलिक एसिड तो मीन टू ब्रोमोथाइफिन देखो अब हम रिएजेंट नीचे लिख भी देते हैं अपना ध्यान नीचे दें जहां पे हमने देखो ये टू ब्रोमोथाइफिन देखो जो लिख रखा है अब रिएजेंट क्या डाले इसमें कि किस में कन्वर्ट हो जाए कि था टू कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो व्हाट इज द रिएजेंट हियर देखो ये हमने लिख दिया पहली स्टेप में एमजीओब्लिक में ड्राई ड्राइथर सेकंड सीओ टू उ आपकी हाइड्रोलिस ऊपर हमने आपको मैकेनिज्म भी समझा दिया रिवाइज आपका करवा दिया है तो इस टाइप से एग्जाम में देखो मैकेनिज्म भी पूछ सकते हैं तो ये इन चीजों को आपको ध्यान रखना होता है क्योंकि ये बेसिक बातें हैं जो हम पीछे किसी और रिएक्शन के अंदर पढ़ चुके होते हैं तो आप इन, आपको इनको भूलना नहीं है बिल्कुल भी तो ये हमने नेक्स्ट कन्वर्जन देखें इस टाइप से कन्वर्जन आ सकते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट देखो गटरमान फॉर्माइलेशन रिएक्शन इसमें क्या करते हैं उसी टाइप से आपकी रिएक्शन देखो ये एच सी ट्रिपल बॉन्ड जो एन है इसके साथ आगे बोलो कौन लगा हुआ ये एच सी एल और आगे बोलो कौन है ये एल सी एल थ्री देखो इस टाइप से ये ल्यूस एसिड है विद इलेक्ट्रॉन देखो इसको ले जाएगा नाइट्रोजन अपने लोन पर देखो इस एच को दे देगा दोनों इलेक्ट्रॉन अब आपका नाइट्रोजन ले लेगा ले तो क्या लग गया बोलो आपके ये एच ये सी ये डबल बॉन्ड एन एन और एन के आगे कौन लग गया एच कार्बन के ऊपर बोलो कौन पॉजिटिव चार्ज अब ये सी फाइव के थ्रू जब ये अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन बोलो किसको देगा इस कार्बन को देगा तो जिसकी वजह से फर्दर देखो जो आपकी रिएक्शन यहाँ पे चलेगी ये सल्फर ये एसएच ये एसएच हमने दिखा दिया ये रिएक्शन जब आपकी चली C5 के थ्रू जब अटैचमेंट हो गया सी टू के थ्रू आप किसी के भी थ्रू इस अटैचमेंट को शो कर सकते हैं मान लीजिए हम इधर दिखा दें देखो इस स्टेप से ये इलेक्ट्रॉन आगे गए थे ये यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन के साथ नया बॉन्ड इस कार्बन के साथ जिसके ऊपर एच लगा हुआ है और आगे डबल बॉन्ड एन और बोलो क्या है यहाँ पे एच सल्फर सल्फर के के ऊपर बोलो कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव देखो पेयर हुए फिर अगली स्टेप में बोलो हम क्या करते हैं वो कार्बन जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है वीक इलेक्ट्रोफाइल देखो लॉस होगा उसी स्टेप्स के थ्रू देखो इलेक्ट्रॉन बैक सल्फर का पॉजिटिव चार्ज देखो फिनिश हो जाएगा और साइमल्टेनियसली इसके बाद हाइड्रोले हम करेंगे देखो ये एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के बाद ये आ गया देखो, डबल चार्ज कार्बन के ऊपर साइड पॉजिटिव इधर क्या लगेंगे बोलो दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो इधर दो एच पॉजिटिव उधर कौन लगेगा उधर लगेंगे टू ओ एच नेगेटिव एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा ओ एच तो अनस्टेबल होता है तो बोलो क्या गया ये सी एच ओ ग्रुप क्या लगे आपका सी एच ओ ग्रुप तो यही हमने वहां पे शो कर किया कि कैसे सी एच ग्रुप लगता है ये इसका कंप्लीट मैकेनिज्म था जो हमने फास्ट आपको बता दिया दैट इज अ था टू कार्बोक्सेल रिहेड आप इसे कहते हैं तो ये गटरवान फोर्माइलेशन रिएक्शन और साथ के साथ आप विल्स मेयर हॉक रिएक्शन भी कर सकते हैं मैकेनिज्म बिल्कुल इसी टाइप से चलेगा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस आपको करनी होती है इन चीजों का आपका ध्यान रखें तो ये था हमने कि सी ग्रुप को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान रख लेंगे जब आपने नोट्स बनाए तो उसके दौरान भी आप मैकेनिज्म को बार बार लिखे अपने नोट्स के अंदर ताकि आपको इसकी आदत पड़ जाए ये चीजें आपको इजीली याद हो जाएं बार बार क्योंकि एग्जाम में आए तो उस वक्त हम भूल जाते हैं कि कौन सी चीज का अटैक कहाँ पे होगा एक बार आपको अटैक करना आ गया तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी मैकेनिज्म को एग्जाम में लिखने में तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखें नेक्स्ट हम लेते हैं रिएक्शन इसी टाइप से तो रिमन रिएक्शन जब हम लेंगे तो देखो प्रोडक्ट क्या बना ये थाल डिहाइड बन गया तो ये कैसे बना ये पीछे हम पूरा आपको डिटेल मैकेनिज्म बता चुके थे पिछले पार्ट के अंदर भी कैसे कार्बीन बनती है तो क्लोरोफॉर्म और के के बीच पहले रिएक्शन चलने से बोलो पहले क्या जनरेट होगी आपकी कार्बीन और कार्बीन जनरेट होगी तो कैसी डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइक्लोरोबीन पहले अटैक करेगा अटैक करेगा तो उसके बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलेसिस और सी ग्रुप आपका यहाँ पे जाके लग जाएगा ये बिल्कुल इजी रिएक्शन होती है आपकी तो इनको आपको पजल नहीं होना होता इसमें थोड़ा सा देखो आइडिया मैं आपको फिर से दे देता हूं कुछ एक बच्चों को देखो अभी प्रॉब्लम है रिवाइज आप कर लिया करें देखो ये बेस है जो आपका के ओ एच है देखो ये ओ एच नेगेटिव तो ओ एच नेगेटिव देखो क्या करता है सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन देखो जल्दी से आपको फास्ट फास्ट बता दे दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ये सीएल यहाँ से निकल गया और यहाँ पे बोलो कौन बन गया ये सीएल ये सीएल दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास ये डाइक्लोरोबिन अब ये जो डाइक्लोरोबिन आपका बन गया जब रिएक्शन यहाँ पे चलती है देखो इस टेप से सी सी एल और ये सीएल ये डाइक्लोरोबिन के साथ तो देखो फाइव पोजिशन के थ्रू ही मान लीजिए मैं अटैक करके ऐसे दिखा दू क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने मूव कर रखे हैं तो क्या होगा यहाँ पे देखो ये इधर ये सल्फर इधर ये इधर ये इधर देखो ये चाहे टू पे दिखा दो फाइव पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं ताकि मेरे उधर स्पेस है तो इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में दिखा दिया तो ये सी सी के ऊपर देखो मीडियम से एच मिल जाएगा क्योंकि कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर क्या लग गया यहाँ पे एच ये सी एल जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे बेसिक मीडियम तो है ही तो उसके बाद क्या हो जाएगा ये पहले इलेक्ट्रोफाइल देखो वीक इलेक्ट्रोफाइल एच दोबारा से निकलेगा सल्फर के ऊपर देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था फिर ये पहले न्यूट्रल स्ट्रक्चर बनेगी दोबारा से देखो ये एस दोबारा से एरोमेटिसिटी देखो मेंटेन हो गई ये डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड इधर और इस पे कौन लगा हुआ है ये सी एच और सी एच पे कौन है दो सीएल फिर जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा हाइड्रोलाइसिस करने से ये दोनों जो सी एल है अगर हम साथ के साथ यहाँ पे देखो ये लिख दें ये एक बस के एच तो हम क्या शो करेंगे कि ये जो के पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव जो है अपने अटैक कार्बन के ऊपर करके क्या निकलवाएगा सीएल ऐसे दूसरा सीएल भी निकलेगा यहां से तो दोनों सीएल हटके क्या लग जाएंगे हम एक ही स्टेप में दिखा दें आगे हमारे पास देखो जैसे स्पेस नहीं है तो क्या हो गया देखो ओ एच ओ एच लग गए ये कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा एच तो वाटर लॉस तो कौन सा ग्रुप बच गया बोलो सी एच ओ यही हमने प्रोडक्ट में देखो ऊपर दिखा रखा है रिमरटिम रिएक्शन के सी एच ओ ग्रुप कैसे लगता है पहले हमने गटरमान फॉर्मलाइजेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको जल्दी से बताया था और अब आपने देखा किसके बारे में अबाउट द रिमर टीम रिएक्शन तो ये चीजें बेसिक हैं आप इनको फास्ट फास्ट करेंगे तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी आप इनको बार बार लिख के देखें तो ये हमने मैकेनिज्म भी देखो आपको फास्ट फास्ट बता दिया है कुछ बच्चों की डाउट थी इसलिए हमने रिवाइज कर दिया है इसके बाद नेक्स्ट आप देखें डाइएजोमिथेन के साथ तो इसमें भी जब आप हीट करेंगे पहले नाइट्रोजन गैस निकलेगी आपको साइक्लोप्रोपेन वाले चैप्टर में भी बताया गया था कि डाइजोमिथेन को हम यूज करते हैं एल्कीन के साथ जब हम रिएक्शन करते थे एल्किन की डायजोमिथेन के साथ तो इस टाइप से प्रोडक्ट यहाँ पे जो ये देखो सी टू सी थ्री के बीच देखो जो डबल बॉन्ड है या सी फोर सी फाइव के बीच देखो जो डबल बॉन्ड इट इज द एल्कीन पार्ट तो एल्किन पार्ट है तो उसी के ऊपर देखो रिएक्शन हुई आपकी एडिशन रिएक्शन हो गई और इस टाइप से ये क्या बन गया आपका एक बाईसाइक्लो कंपाउंड प्रिपेयर हो जाता है तो ये थी आपकी कैसी रिएक्शन बोलो साइक्लोप्रोपेन टाइप की रिएक्शन जो साइक्लोप्रोपेन वाले चैप्टर में आप पहले से पढ़ चुके हैं आईपेक नेमिंग ही हम पहले सिखा चुके हैं आईपेक नेमिंग वाले पार्ट को आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यही कपलिंग रिएक्शन तो कपलिंग रिएक्शन जब आपकी चली यहाँ पे उसी टाइप से रिएक्शन चलेगी यहाँ पे देखो कैसे मैं फिर से एक बार आपको जल्दी से लिख दू बेंजीन हमने ड्रा किया यहाँ पे इसके बाद ये एन ये ट्रिपल बॉन्ड एन पीछ वाले नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के पास नेगेटिव और ये हमने डबल सिंगल डबल बॉन्ड लगा दिया आप सर्कल लगा के शो कर सकते सी फाइव के थ्रू देखो अटैक होगा किसके ऊपर होगा अटैक कौन से नाइट्रोजन पे जिसपे पॉजिटिव चार्ज उस पर होगा नहीं उसके तो पहले से फोर बोन्ड आप ध्यान रखें कई बार हम ये गलती कर देते हैं जैसे मैंने आपको जानबूझ के लगा के अटैक होगा इस नाइट्रोजन के ऊपर क्यों क्योंकि वो अगला नाइट्रोजन वो तो एडजेंट नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट करके अपनी कंप्लीट वैलेंसी कर लेगा जो उसको थ्री बॉन्ड बनाने अब उसके ऊपर भी लॉन पेयर आ गया वो भी न्यूट्रलाइज हो गया तो न्यूट्रलाइज ये हो गया और आपकी देखो इस टेप से ये स्ट्रक्चर बन जाएगी ये सल्फर ये सल्फर हम बीच के स्टेप को मिस कर देते वो भी हमने साथ के साथ हटा दिया देखो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया आपने किसी बच्चे ने बताया नहीं हमने स्ट्रक्चर कैसी बना दी थी बोलो पेंटागन टाइप की स्ट्रक्चर बना दी थी देखो इसको ऐसी बनानी थी पेंटागन टाइप की स्ट्रक्चर हमें और ये बॉन्ड यहाँ पे ये डबल बॉन्ड और ये देखो बॉन्ड यहाँ पे है और इस सल्फर के ऊपर कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज तो यहां से अब लास्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल देखो निकलना होता ना ये एच पॉजिटिव देखो ये जो निकलेगा अगली स्टेप के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये पहले से स्ट्रक्चर बनती है कैसे अटैक होगा मीन्स इकट्ठा हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि पीछे मैकेनिज्म आपको पूरे समझाए जा चुके थे तो ओवरऑल जो आपके देखो जो ग्रुप लगेगा यहाँ पे जाके वो कौन सा ग्रुप आपके लग जाएगा दोबारा जब एरोमेटिसिटी मेंटेन होगी तो यहाँ पे एन के आगे देखो डबल बोन एन ठीक है और यहाँ पे बेंजिन रिंग देखो यहाँ पे सॉरी ये बेंजिन रिंग ही था मैंने इसमें इकट्ठा आपको दिखा दिया था ये बेंजिन रिंग ही है यहाँ पे ये यह तो बेंजिन है क्योंकि बेंजिन डाइजेनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन है हमारी तो यहाँ पे बोलो कौन आ जाएगा ये ए लिख देता हूँ देखो एराइल ग्रुप इस से हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा तो ये थी बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड के साथ हमारी रिएक्शन तो बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड के साथ ये कपलिंग रिएक्शन होगी और फर्दर अगर हम इसमें हीट करें देखो पहले तो ये आपका एराइल एजो बन गया फर्दर अगर हम एनएच के साथ रिएक्शन करें तो बॉम्बर्ग रिएक्शन चलेगी जिसमें एराइल ग्रुप डायरेक्ट लग जाएगा तो आपका बनेगा टू एराइल था तो मैं देखो छोटी छोटी मैंने जानबूझ के आपको मिस्टेक करके दिखाई थी यहाँ पे कि आप एग्जाम में आप क्या क्या गलती कर सकते हैं तो उन चीजों को आप जरूर ध्यान रखें नहीं तो डायरेक्ट देखो मेरे स्लाइड के ऊपर मैंने लिख रखा था आपको ये शो कर सकते थे लेकिन आप गलतियां क्या करते हैं कई बार आप एराइल ग्रुप को पेंटागन टाइप में बना देते हैं जैसे मैंने आपको जानबूझ के बनाया मैंने बोला कि हाँ यहाँ पे पेंटागन आएगा किसी बच्चे ने कोई रेस्पॉन्स भी नहीं दिया लेकिन वो तो बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड ही था तो ये देखो ए हमने लिख रखा था तो वहां पे बेंजीन रिंग ही आना था तो मीन्स कुछ गलतियां एग्जाम में पेपर के दौरान होनी होती हैं तो आपको याद करने के बाद भी आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए तो इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है

दिल जेल्डर रिएक्शन तो लिखा आ जाएगा ऑप्शन में कि जैसे पायरोल फ्यूरान तो फ्यूरान के ऊपर टिक करना है इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे तो कैन फ्यूरानी शो रिएक्शन एंड दिल्डर कैन नॉट शो दिल जेल्डर रिएक्शन ये आप ध्यान रखेंगे लेकिन दिल जेल्डर रिएक्शन नहीं चलती लेकिन दूसरा प्रोडक्ट तो बनेगा दूसरा कौन सा बनेगा प्रोडक्ट देखो सी फाइव के थ्रू अटैक होगा इसके ऊपर देखो ये हमने देखो अटैक करते हुए दिखाया है ना हमने इसके ऊपर अटैक उसके बाद फर्दर आपकी रिएक्शन चलेगी देखो ये आपका देखो प्रोडक्ट बन जाएगा फर्दर आपकी रिएक्शन चली जो आपके इसके ऊपर जो अटैक होते हुए हमने दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे बोलो फर्दर आपके अटैक देखो ये कार्बन के ऊपर अटैक ये यहाँ पे आप शो कर देंगे ये इसके ऊपर चला जाएगा तो इस टेप से ये हमने अपना प्रोडक्ट बनते हुए दिखा दिया यहाँ पे तो एल्डर नहीं चली लेकिन जो एस एक्ट्रोफायल। ये एक्ट्रोफायल जरूर काम करेगी तो जिसकी वजह से हमारा ये बन जाएगा। लेकिन फिर बता रहे हैं, दिल्स एल्डर रिएक्शन नहीं चली वो दिल्ली रिएक्शन क्या होनी थी वो थी फोर प्लस टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन देखो वो तब चलती जब देखो तो इसके तो ये फोर इलेक्ट्रॉन देखो ये डबल सिंगल डबल ये इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते यहाँ पे देखो मेलिकेन हाइड्रेड का ये डबल बॉन्ड सिर्फ इनके बीच में रिएक्शन चलती साइक्लोडेशन साइक्लो एडिशन रिएक्शन फिर जो प्रोडक्ट बनता वो एडक्ट जो बनता फिर वो कहलाती है दिल जैड रिएक्शन वो आपके थाएफिन में नहीं चलेगी ये चीज आप ध्यान रखेंगे रीजन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्टिव होता है उसके लोन पेयर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते रेजोनेंस के अंदर तो इसलिए जो ये डबल सिंगल डबल बॉन्ड है ये इजिली दिल जेड रिएक्शन शो कर देते हैं जबकि यहाँ पे इन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता था में भी ऐसा नहीं होता आपके पायरोल में भी ऐसा नहीं होता इसलिए दिल जेड रिएक्शन शो नहीं करते अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपने नेक्स्ट रिडक्शन पार्ट के ऊपर अगर हमें पार्शियल रिडक्शन करनी है ब्रिज रिडक्शन हमें करनी है तो ब्रिज रिडक्शन जब हम करेंगे तो इसमें हमारे दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं देखो एक तो टू बन सकता है और दूसरा भी प्रोडक्ट बन सकता है इसमें तो देखो हमने क्या किया सिंपल जो हमारे देखो ये डबल सिंगल डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड बिकम सिंगल हो गए सिंगल जहां पे है दो तो कंजुगेटेड पाई बॉन्ड के बीच वो सिंगल हो गया दैट इज द दिल्स एल्डर रिएक्शन सॉरी दैट इज द ब्रिज रिडक्शन तो ब्रिज रिडक्शन में अब क्या हुआ इसके बाद देखो दूसरा काम भी जो हमने पीछे भी आपको बताया था देखो सल्फर के लॉन पेयर देखो ये सल्फर के पेयर ठीक है देखो साइड में मैं दोबारा से ड्रा कर देता हूं यहाँ पेयर और ये 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 आगे देखो देखो जो डबल बॉन्ड है देखो ये। किसी भी डायरेक्शन में दे आर इन कंजुगेशन विद ईच अदर है ना आपस में कंजुगेशन तो यही तो बताया दिल जेल्ड रिएक्शन में होना क्या सॉरी ये ब्रिज रिडक्शन में होना क्या होता है ब्रिज रिडक्शन में क्या होना होता है कि कंजुगेटेड सिस्टम हमें देखना है या तो आप देखें जैसे ये जो प्रोडक्ट हमने बना दिया तो इस इस प्रोडक्ट के बनते हुए हमने कौन सा कंजुगेटेड सिस्टम देखा देखो इसमें देखो ये देखा साइड में देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ देखो ये वाला सिस्टम देखो ये कंजुगेटेड सिस्टम इसको यूज करते हुए ये हमारा प्रोडक्ट देखो बन गया लेकिन दूसरा प्रोडक्ट भी तो बन सकता है जिसमें सल्फर के पेयर और ये डबल बॉन्ड हम ले लें तो देखो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा ये डबल बॉन्ड जो हमने पाई बॉन्ड बना दिया और दूसरे सल्फर का पेयर एक यूजअप हो गया और देखो यहाँ पे बीच में देखो ये डबल बॉन्ड आ गया तो देखो ये पिछला जो डबल बॉन्ड है देखो ये फिनिश सल्फर का एक लॉन पेयर फिनिश तो दो कंजुगेटेड सिस्टम के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो दैट इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ द ब्रिज रिडक्शन तो ब्रिज रिडक्शन के दौरान आपके इस टाइप से दो प्रोडक्ट बन जाते हैं आप एग्जाम में दोनों लिख सकते हैं तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे ये हमने पार्शियल रिडक्शन की यहाँ पे तो 2-5 डाईहाइड्रोथायफीन बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट भी बन जाएगा जिसे आप 1-2 डाईहाइड्रोथायफीन कह देंगे नेक्स्ट अगर कंप्लीट रिडक्शन करें तो हमें क्या बनेगा दैट इज अ टेट्राहाइड्रोथायफीन टीएचटी टेट्राहाइड्रोथायफीन हमें मिल जाएगा क्योंकि कंप्लीट रिडक्शन हमने कर दी इसके बाद वही उसी टाइप से अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करे तो क्या होगा तो फिर आप गलती ढूंढे शाहबाश हमने पीछे भी आपको बताई थी बोलो क्या करना है परऑक्साइड जो बनाएंगे तो क्या दिखाएंगे यहाँ पे ये एक ऑक्सीजन ये दूसरी ऑक्सीजन ये परऑक्साइड बन गया तो आप ये करेक्शन कर लेंगे हमने पीछे भी आपको बताया था उसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच लॉन पेयर के बीच रिपल्शन फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो फिर हमें मिलेगा सक्सिन एलडीहाइड बोलो क्या मिल जाएगा सक्सिन एलडीहाइड इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी कहनी जरूर रिएक्शन देखो पीछे आपको ध्यान होगा फुरान में हमने बताया था कि जो थायोफीन है आपके पास देखो यहाँ पे अगर हम इसके अंदर करना चाहें रिएक्शन अपनी कहनी जरूर रिएक्शन तो क्या इसमें चल जाएगी डायरेक्ट अगर एनएच डाल दें डायरेक्ट तो हमने पीछे आपको ध्यान दिया होगा आपके दिमाग को क्लिक करने के लिए हमने सिर्फ यही लिखा था तो हमने कहा था नहीं सबसे पहले हमें एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसके अंदर बोलो क्या हो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो जैसे आपके फोर हो जाता है देखो H -H देखो H H, देखो ऐसे डबल एच इसमें हाइड्रोजन हैल्फा कार्बन ही नहीं है बेनजल आप ले सकते हैं देखो देखो सी डबल बोन्ड ओ एच इसमें नेक्स्ट अल्फा कार्बन तो है लेकिन इसके पास एच नहीं तो मिस दे कैन शोधा दे कैन इजिली शोधा कैन जरूर नी रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन एक मोल का ऑक्सीडेशन और दूसरे मोल का रिडक्शन होता है जैसे आपको पहले भी मैंने आपको बता दिया था थोड़ा सा फिर बता दें ताकि आपको स्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट तब की तब दिख जाए ऑक्सीडेशन जब हम करेंगे तो देखो ये ऑक्सीडेशन एक पार्ट का होगा तो एच सी डबल ओ और सीओ और के बीच में देखो ओ और साल्ट में बन जाता है क्योंकि बेसिक में चलती है ये, दूसरे पार्ट का, देखो, इसे से, का पार्ट बनना होता है दूसरा आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का तो सिमिलरली क्योंकि था टू या सी फाइव पोजिशन पहले सी एच ओ ग्रुप ही नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे आप सबसे पहले करेंगे बोलो कौन सी

और जो ये सीएचओ के दूसरे मोल का जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा देखो टाइप से ये आपके एल्कोहल के अंदर देखो ये ऊपर OH, एक एच इधर एक इधर तो इस टाइप से ये हमारे पास क्या बन गया बोलो एल्कोहल तो मैं सबसे पहले आप जरूर ध्यान रखें सी एच ओ ग्रुप लगेगा स्टेप नंबर वन में सेकंड स्टेप में डाला तो कैनी जरूरी चलेगी फिर आपके ये प्रोडक्ट बन जाएंगे तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें स्टेप बाय स्टेप देखो आपको बता दिया कि पहले क्या बनेगा सेकंड स्टेप में क्या और डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट आपका ये एक तो क्या बन जाएगा थाइनाइल कार्बोनो कार्बिनोल और दूसरा क्या बन जाएगा ये सोल्ट बनेगा आपका सीओओ नेगेटिव यानी ने पॉजिटिव जैसे आपको बताया गया था तो मीन्स एक तो एसिड का सॉल्ट और दूसरा एल्कोहल यानी दो प्रोडक्ट आपके बनने होते हैं कैनी जरूरी में तो पहले तो चले गाइलेन रिएक्शन सी एच ओ ग्रुप आएगा फिर उसके बाद कैनिजेरो रिएक्शन चलेगी क्योंकि एक सी एच ओ ग्रुप का होना जरूरी है कैनिजेरो रिएक्शन चलने के लिए और ऐसे सी एच ओ ग्रुप का कि एल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो तो एल्फा हाइड्रोजन एटम तो होंगे नहीं इसके अंदर आप इजिली चेकआउट कर सकते हैं देखो अब भी नहीं है थानाइल कार्बिनोल में देखो ये अल्फा कार्बन के ऊपर देखो वन बॉन्ड टू बॉन्ड वन पाई है वन 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 सिग्मा वन सिग्मा सिग्मा तो बॉन्ड इधर देखो चारों के चारों कार्बन से अटैच है कहीं पैच तो है ही नहीं मीन्स एल्फा पोजिशन के ऊपर एल्फा हाइड्रोजन आइटम नहीं है तो मीन्स जो सी एच ओ ग्रुप लगता है कटरमान फोरमाइलेशन रिएक्शन के द्वारा तो ईजिली आपके कौन सी रिएक्शन चल जाएगी सेकेंड स्टेप में कैनीजे रिएक्शन आपकी चल जाती है इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अपना अगला पार्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी आपने देखा था पीछे जिसमें कंडेंसेशन भी हो जाती थी आपको याद होगा पिछले लेक्चर में देखो वही बेंजोइन बेंजोइन कंडेंसेशन लेकिन क्या डायरेक्ट चल जाए? बिल्कुल नहीं सबसे पहले ओ ग्रुप तो लगाना ही पड़ेगा देखो वही गटरमान आपकी फॉर्माइलेशन रिएक्शन होगी सीएचओ ग्रुप लगेगा पहले सी टू एस सी फाइव पोजिशन के ऊपर उसके बाद के सी एन आप डालेंगे फिर आपका ये एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा और ये एडिशन प्रोडक्ट कैसे बनता है देखो एक आपको फिर से माइंड देखो ये याद दिला दें ताकि आप भूले ना बिल्कुल भी इन चीजों को देखो ये C डबल बॉन्ड O और देखो ये H हमने देखो यहाँ पे शो कर दिया अगर हम दूसरा मोल भी ले लें पहली स्टेप के अंदर तो देखो फॉर्माइलेशन के हमने प्रोडक्ट लिख दिया यहाँ पे सी एच ओ ग्रुप जब आपका लग जाएगा उसके बाद नेक्स्ट हम शो कर रहे हैं यहाँ पे देखो ये सी डबल बॉन्ड ओ और बोलो क्या ये एच

स्लाइड के ऊपर आपको बनते हुए दिखा दिए तो हमने आपको समझा दिया कि किस से चली। हटा देना देखो ये, यहां पे। ये मैंने के लगाया था, पिछले लेक्चर में भी ताकि आपको थोड़ा क्लिक करते रहे हम आपके माइंड को कि कह, कहाँ पे क्या चीज एक्स्ट्रा रह गई तो सीएचओ ग्रुप तो इन्वॉल्व हो गया था ना अभी रिएक्शन में हमने आपको शो किया था तो जैसे वहां पे हम बोलते थे आपका बन गया तो थायोफाइन यहाँ पे बन गया इसका नाम हम रख देते हैं इस प्रोडक्ट का तो ये थी डिफरेंट रिएक्शंस थान की जो आपने देखी तो आप इनकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करें इनको लिख लिख के देखें बार बार एरोज को आप चला के देखिए इसलिए मैंने जानबूझ के आपको कुछ रिएक्शन दोबारा भी बताया कि किस तरह से आप एरो की मूवमेंट दिखाए की मूवमेंट प्रॉपर आनी चाहिए जिधर इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे टेल होनी चाहिए जहां पे पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ आपका हेड जाना चाहिए आप कई बार एरो भी रिवर्स लगा देते हैं तो आपके क्रॉस लग के आपको जीरो मार्क्स एग्जाम में मिल सकते हैं तो आप ये जरूर ध्यान रखें सो थैंक यू दैट ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर थैंक यू